नमस्कार दोस्तों, इजी हिस्ट्री चैनल पर मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे शहीद भगत सिंह के बारे में। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारे को जन जन तक पहुंचाने का इस व्यक्ति के द्वारा, इसकी क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा वो कार्य किया गया जिससे कि अंग्रेज़ परेशान हो गए और भारतीय राजनेता भी परेशान हो गए और अपने भविष्य के बारे में भी इन्होंने चिंतन करना शुरू कर दिया। शहीद भगत सिंह भारत माता के एक ऐसे सपूत थे, एक ऐसे युवा थे जिन्होंने कि एक छोटी सी उम्र में इतना कुछ कर दिया कि इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो गया। शहीद भगत सिंह भारत की आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। एक अंग्रेज़ राजनीतिक के द्वारा ये भी कहा गया कि भारत को आज़ाद कराने में युवाओं के कारण ही हम इस देश को आज़ाद कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं ने हमें इतना परेशान कर दिया है। तो शहीद भगत सिंह एक ऐसे युवा क्रांतिकारी जिनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना हमारे लिए कम है। शहीद भगत सिंह, जिनका जन्म 1907 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लालपुर गाँव में हुआ। शहीद भगत सिंह एक भारत के एक ऐसे सपूत थे जिनके बारे में हम जानते हैं कि 23 मार्च किस तरह से अंग्रेजी सरकार ने 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई और उनके शव के टुकड़े टुकड़े कर सिंधु नदी में फेंक दिया गया, ताकि जो क्रांतिकारी की जो अलग है उसे जल्दी से जल्दी समाप्त किया जा सके। भगत सिंह जो कि एक संधु फैमिली को रिप्रेजेंट करते थे, ये पंजाब में एक ट्राइब है, इनके पिता सरदार किशन सिंह विद्यावती के ये दूसरे बेटे थे। इनके चाचा अजीत सिंह और किशन सिंह दोनों ही क्रांतिकारी गतिविधियों में या अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कुछ ना कुछ संघर्ष करते हुए रहे थे। तो जो देशभक्ति का इन्हें बचपन से ही काफ़ी कुछ देशभक्ति के बारे में सीखा और उसको अपने ऐसे युवा जोश के रंग में रखा जिससे कि अंग्रेज बहुत बुरी तरह से परेशान रहे। भगत सिंह ने काफ़ी लेख लिखे। अगर आप इनके गूगल पर थोड़ा भी आप डालेंगे कि भगत सिंह के जो क्यूटोज़ हैं या भगत सिंह के जितने भी शीर्षक हैं या उनके द्वारा छोटी छोटी कविताएं जो की गई हैं आप उनको डालेंगे तो काफ़ी मोटिवेट करने वाले हैं। भगत सिंह ने अपने लेख एक क्यूटो में लिखा, इट इज़ बेटर टू लाइव ए लाइक ए लॉइन फॉर ए डे देन टू लाइव लाइक ए जैकाल फॉर ईयर्स। भगत सिंह ने साफ साफ इस लाइन में कहा कि एक दिन आप शेर की तरह जिए, सालों हम गीदड़ की तरह जीते, एक दिन शेर की तरह जिए, अगर मरो तो शेर की तरह जियो, तो शेर की तरह आज़ाद रहो, तो शेर की तरह। भगत सिंह के अर्ली लाइफ के बारे में हम जानते हैं, ये बेसिकली 5th क्लास में थे तब ये इनके पिता खेती कर रहे थे। तो उस दौरान ये भी मामला आया कि भगत सिंह ने कहा क्यों ना इसमें बंदूकें रोपें जिससे कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इन बंदूकों का वो इस्तेमाल कर सकें। लाहौर कॉलेज से लॉ के दौरान ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें कि नरसंहार जनरल डायर के द्वारा किया गया, और ये इससे इतने भयभीत हुए इन्होंने अपनी लॉ बीच में ही छोड़कर क्रांतिकारी गतिविधियों में ये सम्मिलित हो गए। गांधी जी के साथ मिलकर जो असहयोग आंदोलन था उसमें भी इन्होंने भाग लिया। अगर लीडरशिप की क्वालिटी की बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल के सहयोग में इन्होंने काकोरी कांड में भी इन्होंने सहयोग दिया और उसका जन समर्थन भी इन्होंने युवा जोश ने किया। बाद में चंद्रशेखर जो साहब थे या क्रांतिकारी थे, इनके दोस्त थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने हिंदुस्तानी सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन का भी निर्माण किया। बेसिकली जो फांसी दी गई थी भगत सिंह को वो दी गई थी बॉम्बरिंग इन असेंबली। लाहौर की जो कोर्ट थी उसमें द डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट के खिलाफ इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इनकी मंशा वहाँ फेक बम फेंकने की थी, वहाँ पर विरोध करने की थी, वहाँ पर एक किसी को मारने की साजिश नहीं रखी थी, लेकिन अपने आप को सरेंडर कर दिया
और इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ बटुकेश्वर दत्त के साथ इन्हें कैद कर लिया गया। भगत सिंह को जब फांसी दी जाने वाली थी तीन दिन पहले, तो उन्होंने अपने एक पत्र में, खुले पत्र में लिखा, उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्ज ए जफा क्या, हमें यह शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रखें चर्ख का क्या गिला करें, सारा जहां अदु सही आओ मुकाबला करें। तो इस पत्र के माध्यम से गांधी जी सहित अन्य नेताओं को भी दिखा दिया कि एक युवा जोश कितना मुकाबला करे कि भारत आज़ाद हो, जब तक युवाओं की शक्ति नहीं जागेगी भारत कभी आज़ाद नहीं हो सकता। फाइटिंग स्पिरिट भी इनके अंतर्गत थी। फाइटिंग स्पिरिट की अगर हम बात करें तो जब ये 20 साल के थे तो पहली बार इन्हें जेल हुई और 63 दिन तक अपनी मांगों के लिए इन्होंने भूख हड़ताल की। एक प्रिजनर्स की भी डेथ हो गई थी इस दौरान इनके साथी की। इसके अलावा लाला लाजपत राय पर जब लाठीचार्ज किया गया तो लाला जी की मौत के बाद वो इतने दुखी थे कि इन्होंने राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर सांडस की भी हत्या की। चंद्रशेखर जी ने भी इनका काफ़ी सहयोग किया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, एक छोटा सा जीवन काल, लेकिन जीवन काल में इन्होंने इतना कुछ भारत के लिए या हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए इतना कुछ कर दिया कि इनके जो स्लोगन हैं उनसे ही मालूम पता पड़ता है ये कितने बड़े भारत माता के सपूत थे। अपनी कुर्बानी को इन्होंने न्योछावर कर दिया। भगत सिंह, सुखदेव का जो सेंटेंस था वो 7 अक्टूबर 1930 को दिया गया, जिसमें 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी जानी थी। इनके जो प्रमुख स्लोगन थे, इंकलाब जिंदाबाद, डाउन डाउन यूनियन गवर्नमेंट, अप अप नेशनल फ्लैग, डाउन विद ब्रिटिश इंप्रिजन, जब इन्हें फांसी दी जाने वाली थी तो इनकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा, मुझे लेनिन की जीवनी पढ़नी है। इसके अलावा इन्होंने फंदे को किस किया और राजगुरु सुखदेव को इन्होंने गले लगाया। उसके बाद लाहौर जेल में शाम को 7 बजे इन्हें फांसी दी गई। इनकी फांसी देने के बाद इनके शरीर के टुकड़े सिंधु नदी में फेंक दिए गए ताकि विद्रोह ना बढ़ जाए। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी मैंने आपके साथ शहीद भगत सिंह की शेयर की। निश्चित रूप से इस छोटी सी कहानी में हम बहुत कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन काफ़ी कुछ आपके जोश, आपको मोटिवेट करने वाला रहा होगा। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।